Subscribe the Trade Topic channel and press the bell icon for more interesting videos. जिम कॉलिंस पृथ्वी पे सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं। 40 साल से कॉरपोरेट में ट्रेनिंग देते आए और शायद अभी पृथ्वी पे मैनेजमेंट की दृष्टि से सबसे बड़े और सबसे अच्छे वक्ता हैं। आप कभी उनको यूट्यूब पे सुन सकते हो। 40 साल से उन्होंने कॉरपोरेट्स में एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग दी, इंक्लूडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी एग्जीक्यूटिव्स। मतलब उनके सामने जो सभाजन बैठते हैं, ये कोई विद्यार्थी नहीं है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामने बैठे वाले होते हैं 25 करोड़, 50 करोड़, 100, 200, 500 करोड़, 5000, 25000, 50000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं, व्यवस्था में जुटे हुए हैं। इस प्रकार के लोग विद्यार्थी के स्वरूप में उनके सामने बैठ जाते हैं जब जिम कॉलेज बोलते हैं। ज्यादा तो चार्ज नहीं करते, सिर्फ एक घंटे बोलने का $1,00,000 चार्ज करते हैं। ये तो मैंने इसलिए इनके भाव आपको बताया कि अगली बार जीटो के नेक्स्ट सेशन में अगर आपको उनको बुलाना है तो। हम तो कुछ चार्ज नहीं लेते, हम तो सिर्फ सेवा में लोगों के साथ, लोगों के भीतर ही रहते हैं। यहां भी हम आए, एफओसी आए, राइट और रॉन्ग व्यवस्था को पूछ लेना चाहिए। आई डोंट चार्ज एनीथिंग, आई बीन टॉकिंग सिंस 25 इयर्स, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। एक समाज की सेवा है, निस्वार्थ भाव से। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे प्रगट गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से सुविचार देना, सुप्रवृत्ति के लिए प्रेरणा देना। जिम कॉलेज इन लोगों को जब ट्रेनिंग देते हैं तो सामने जो लोग बैठे हैं उनको मैनेजमेंट नहीं सिखाना है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सिखाना है, उनको कोई कनेक्टिविटी या सिस्टम या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सिखाना है, उनको एचआर नहीं सिखाना है। तो सिखाना क्या है? जिम कॉलेज से ही बात करते हैं, विचार ऊंचे रखना, स्पष्ट रखना, पवित्र रखना और पवित्र कार्यवाही अपने जीवन में करना, बाकी सफलता तो ऐसे ही आपकी गुलाम बन के आपके पास आ जाएगी। यही बात जिम कॉलेज करते हैं। उन्होंने जो पुस्तक लिखा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स यहां बैठे हैं उनको जरूर यह पुस्तक पढ़ना चाहिए। उनके जीवन का यह अनुभव उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने लिखा है, यह पुस्तक का नाम है हाउ द माइटी फॉल। जो बड़े बड़े महारथी थे क्यों पृथ्वी पे गिर पड़े? ऐसे ऐसे महारथी उन्होंने देखे, जो महारथी इफ ही स्नीजिंग्स वॉल स्ट्रीट कैचेस फीवर। एक फोन उठा के मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में 50वीं मजले पे बैठे और फोन उठा के फोन करते ही कैन टॉपल अ गवर्नमेंट इन अफ्रीका। ऐसे महारथी उन्होंने देखे, ऐसे महारथी के साथ वे रहे हैं कि वे पृथ्वी पे पैर रखे एंड द अर्थ शिवर्स। ऐसे महारथी पृथ्वी पे बेकार हो गए, या कोई जेल में गए, या कोई बैंकरप्ट हो गए। क्या वजह थी? आफ्टर अ डिटेल स्टडी कम्स टू अ कंक्लूजन दैट दिस पीपल, ये 300 पेज का पुस्तक है, एक वाक्य में उन्होंने लिखा है, क्योंकि ये ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे हम ये समारंभ कर रहे हैं, तो ट्रेड किस प्रकार और किस भावना से करना चाहिए वो आपको मैं बताता हूं। जिम कॉलिंस ने लिखा, एक सेंटेंस उसमें लिखा है विच इज द एसेंस ऑफ दिस 300 पेज बुक, और वो एसेंस उन्होंने एक शब्द में, एक वाक्य में लिखा है, इनडिसिप्लिन परस्यूट फॉर मोर। मतलब ज्यादा 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 अपना करने के लिए, फिर वो पैसा हो, फिर वो धंधा हो, संबंध हो,
ज्यादा कमाने के लिए इन लोगों ने नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ दिया। नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के आप प्रवृत्ति करेंगे या कोई भी काम व्यवसाय करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर प्रश्न आ सकता है। कई बार मैं बोलता हूं, इवन इफ द नेम ऑफ योर कंपनी सत्यम एंड यू गो फॉर असत्य प्रैक्टिसेस, सुना है ना, इवन इफ यू आर द किंग ऑफ द स्काईज यू हैव टू लीव इंडिया विदाउट इंडियन पासपोर्ट। जिन्हें आपको वापस बुलाया है आएंगे कुछ दिन में, यूके की होम सेक्रेटरी ने साइन कर दिया एक्सट्राडिशन लेटर पे, ये आएंगे कुछ बातें करेंगे, मुंह खोलेंगे तो कहीं बड़ो बड़ो तकलीफ में आने वाले। इवन इफ यू आर द सहारा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज, यू कैन स्टिल लाइक बेसहारा इंतिहार। आप कितने भी बड़े हो, 20,000 करोड़ का व्यक्ति 4 साल से तिहार में, आप कितने भी बड़े हो, कहां भी हो, कोई भी हो, कोई भी कक्षा पे आप हो, नीति नियम और सिद्धांत से आपने कुछ रमत की तो आपको वो रमत बहुत महंगी पड़ जाएगी। Nobody is above ethics. मैं कई बार एक दृष्टांत देता हूं कि अब आप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बने, जीबी में आपने जॉब शुरू की, जूनियर इंजीनियर बने, फिर सीनियर इंजीनियर बने, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने, फिर बोर्ड मेंबर बने, आफ्टर योर 30-35 years ऑफ प्रैक्टिस, और अ फाइन संडे मॉर्निंग आप बैठे हो घर पे, चाय का एक कप आपके हाथ में, न्यूज़पेपर है, और ऐसे ही आप बैठे हो रिलैक्स मूड में, आप जीबी के चेयरमैन हो, पूरे राज्य में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपकी सत्ता से होता है, आपके सामने प्लग है, और अगर आप कैफ में आ जाए और बोले कि देख ये जीबी के चेयरमैन की उंगली है, ओके, और मैं प्लग में डालता हूं, ध्यान रखना तेरा डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हाथ में, ये बोल के भी अगर जीबी का चेयरमैन प्लग में उंगली डालता है तो चिपक जाता है, मर जाता है। इवन इफ यू आर द चेयरमैन ऑफ द गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यू डोंट हैव द राइट टू पुट योर फिंगर इनसाइड द प्लग। क्यों? इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके पद, आपकी प्रतिष्ठा और आपकी पोस्ट को नहीं पहचानती, सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। उसी तरह एथिकल वैल्यूज, जीवन में जो नीति नियम और सिद्धांत है, वो आपके पद, प्रतिष्ठा और पोस्ट को नहीं पहचानती, वो सिर्फ हार्ड मास को पहचानती है। इलेक्ट्रिसिटी एंड एथिक्स, दे ओनली नो ह्यूमन फ्लैश एंड ब्लड, नथिंग एल्स। तो ये हमेशा घर कर लेना। और एक बात, अगर आप पकड़ा नहीं गए तो भी यू हैव चीटेड योर ओन सेल्फ। आपका कॉन्साइंस तो आपको बाइट करेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि नो कॉन्साइंस, नो पिलो इज एज सॉफ्ट एज अ क्लियर कॉन्साइंस। जब आप रात को सोने जाते हो, बेडरूम में जाते हो, लेट जाते हो, तो जो सॉफ्टेस्ट पिलो है गहरी नींद के लिए, वो क्या है? योर क्लियर कॉन्साइंस। आपका अगर हृदय पवित्र है कि मैंने किसी का दर्द नहीं किया, किसी का जूठा लिया नहीं, किसी को कोई दगा नहीं दिया, तो दैट इज योर मोस्ट क्लियर कॉन्साइंस, एंड यू एंजॉय अ ब्यूटीफुल लाइफ। जीवन तो इस तरह से जिए कि कोई भी वक्त, आधी रात को भी, कोई भी व्यक्ति के सामने हम खड़े होके उसकी आंख में आंख डाल के, सीना ऊंचा करके उसके साथ बात कर सके। ऐसा जीवन अगर आप जिए तो उसकी कीमत है, और उसकी कीमत होती व्हेन यू आर एथिकली राइट, व्हेन यू हैव अ वेरी क्लियर हाई एंड अ पायस थॉट, तो उसके आप, उससे आपकी एक पर्सनैलिटी अगर अलग बनती है, आपका कैरेक्टर वो भी एक अलग बनता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपके कैरेक्टर, उसके लिए आपको कोई क्लासेस या ट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखें, और जो भी व्यवसाय आप करते हैं उसमें नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखें, फिर आप परिणाम देखना। बिजनेस के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा,
बिजनेस आपके पास आएगा। व्यक्तियों के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, व्यक्ति आपके पास आए। प्रमुख स्वामी महाराज कभी दौड़े नहीं व्यक्तियों के लिए, वे सिर्फ 5 कक्षा पास थे, लेकिन इस जीवन भावना से जीते थे सबका भला हो, अन्यों के उत्कर्ष में हमारा उत्कर्ष वे कहा करते थे, अन्य के सुख में हमारा सुख वे कहा करते थे, उसी प्रकार से वे जीवन जिए। तो हम 1200 संत उनके पास आए और उनके हाथों से दीक्षा ली। हम जो 1200 संत थे उसमें 750 से भी ज्यादा संत ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, और उनमें से हमारे 150 से भी ज्यादा संत बॉर्न अमेरिकन और ब्रिटिश सिटीजन थे। उनमें से हमारे 50 से भी ज्यादा संत इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कार्नेगी मेलन, येल, केलोंग, कैम्ब्रिज, ऐसी यूनिवर्सिटीज में। कहीं हमारे संत हैं वो 22-25 साल की उम्र में 1.5-2 लाख डॉलर की तनख्वाह छोड़ के आए। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये ना लगे कि कुछ जमा नहीं होगा संसार में, इसलिए यहां चल पड़े। कुछ जमा नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं लगा होगा, कुछ जॉब नहीं मिलती होगी, कुछ सोच लिया कि चलो ये भगवे कपड़े पहन ले, संन्यास ले ले तो कुछ 2 दिन में कुछ रोटी बोटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। और हम लोग जो ये बात करते हैं, ये हमारी पूरी संस्था के संचालन में हम सब संत जुड़े हुए हैं, हमारी हॉस्पिटल्स, हॉस्टल, स्कूल्स और कॉलेजेस हम चलाते हैं। सो वी नो व्हाट इज मैनेजमेंट, वी नो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन, वी नो व्हाट इज एचआर, वी नो व्हाट इज सिस्टम। वो भी काम करते हैं और ये भी काम करते हैं, पूरा दिन वो काम करते हैं और शाम को ये प्रेरणा देने की काम करते हैं, दोनों अगत्य की बात है। मैं ये बात करता था कि आपके विचार ऊंचे, स्पष्ट और पवित्र रखेंगे और आपके कार्यवाही में आप नीतिमत्ता और प्रामाणिकता रखेंगे। रिसोर्सेज हैव टू कम टू यू, पीपल हैव टू कम टू यू, मनी हैज टू कम टू यू, यू बिकम अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ अट्रैक्शन। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर कोई और कक्षा पे पहुंच जाएगा।